हमारे चैनल गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं पंडित अनिल कोठारी ज्योतिषाचार्य एक बार फिर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आया हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे देवताओं में प्रथम पूज्य रिद्धि सिद्धि बुद्धि लक्ष्मी आदि कई चीजों के प्रदाता भगवान गणेश जी की सबसे प्रिय तिथि चतुर्थी तिथि के बारे में, जो कि किसी भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि गणेश चतुर्थी तिथि के नाम से मनाई जाती है। और वर्ष भर में कई तिथियां बड़ी धूमधाम से बड़ी तिथियों के रूप में भी मनाई जाती है। तो आज हम इसके बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे, क्योंकि गणेश जी की पूजा के बारे में हर कोई जानता है, गणेश जी को क्या प्रिय है, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। तो यह इस चीज से सभी लोग वाकिफ हैं, किंतु हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिस उपाय को गणेश चतुर्थी के दिन करके अपने घर पे, अपने ऊपर पे नहीं, अपने घर पे, अपने ऊपर, अपने सभी सदस्यों के ऊपर पे भगवान गणेश जी की कृपा जो हमेशा के लिए बन जाती है। ऐसा ही एक सहसंबंध उपाय हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं और आप बड़े ध्यान पूर्वक इसे सुनिएगा। तो गणेश जी को कई चीजें प्रिय हैं, जैसे मोदक है, तांबूल सुपारी है और लौंग है, दुर्वा है, कई चीजें गणेश जी को प्रिय हैं। लेकिन इनमें से एक ऐसी चीज है जो कि गणेश जी को अति प्रिय है, और वो है दुर्वा, जो धूप, जो हरी घास जो जमीन पे उगती है और लंबी फैलती है, जिसे दुर्वा कहा जाता है, वह गणेश जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। और इसके लिए ही हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे कि जो उपाय अगर आप करें तो और वर्ष भर आपके ऊपर गणेश जी की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक गमला या जिसे कुंडी कहते हैं उसको ले लेना है, उस पे सफेद रंग का पेंट करना है और उसमें 3 बार ओम गंग गणपतिये नमः या 8 बार ओम गंग गणपतिये नमः आप चाहें तो लाल पेंट से लिख सकते हैं। और गमले में मिट्टी को डालकर उसके पे 8 दिशाओं पे, 4 दिशाएं और 4 कोण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और इनके ही कोणों में, आग्नेय, ईशान, वायव्य और नैऋत्य कोणों पे आप गणेश चतुर्थी के प्रातः काल, आप पहले दिन यह सब तैयारी कर लीजिए और दूसरे दिन प्रातः नहा धोकर गणेश चतुर्थी के दिन आप इस पे 8 कोणों पे पूर्व से शुरू करते हुए और पूर्व से दाहिने की ओर लेते हुए वहां से आप इस पे 8 कोणों पे, मतलब इसको आप दुर्वा को लगा दीजिए। और गणेश चतुर्थी के दिन और बड़ी तिथि के दिन लगा पाए तो बहुत ही बढ़िया। और इस पे एक सफेद कपड़ा आप इसमें बांध दीजिए और चाहे तो इस पे आप प्रतिदिन आप कुमकुम आदि इस पे चढ़ा सकते हैं, किंतु जिस दिन आप लगाएं तो उस दिन इस पे पान और एक तांबूल सुपारी अगर मिल जाए आपको और लौंग मिल जाए, अगर उस पे रख सके तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिलता है तो आप कुछ नहीं, 8 कोणों में आप दुर्वा को लगा दीजिए और एक सफेद कपड़ा बाहर से कुंडी के उस पे आप बांध दीजिए और प्रतिदिन गणेश चतुर्थी से इस पे आप पानी चढ़ाइए। और जैसे जैसे यह फैलता है, आपका बड़ा होता जाता है, तो इसी में से 2-2 दुर्वा आप प्रतिदिन गणेश जी को चढ़ाइए। गणेश जी की फोटो अपने घर पे रख लीजिए, जिस दिन, वैसे तो हर जगह पे गणेश जी की फोटो होती है, लेकिन आप इसके लिए आप चाहें तो प्रतिदिन के उसके लिए एक अलग से फोटो रख सकते हैं। आप प्रतिदिन गणेश जी को 2-2 दुर्वा आप इसमें से चढ़ाएं। देखिए दोस्तों, गणेश जी को मोदक प्रिय है, तांबूल प्रिय है, पान प्रिय है, लौंग, इलायची, कई चीजें प्रिय हैं, लेकिन दुर्वा उनको अति प्रिय है। तो दुर्वा को यदि आप अपने घर पे रखेंगे और उस पर प्रतिदिन जो मैंने बताई विधि से पानी डालेंगे और उसी से हुई दुर्वा को आप गणेश जी को चढ़ाएंगे, तो संभवता नहीं, बिल्कुल आपके घर में गणेश जी की कृपा बन जाएगी। और यह किसी भी गणेश चतुर्थी से आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी संक्षिप्त में थी और बहुत ही अच्छी जानकारी थी। आप चाहें तो आने वाले निकटतम किसी भी गणेश चतुर्थी से आप इस पे ये कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल अच्छा लगे तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और जानकारी तो आपको अच्छी लगेगी ही लगेगी, तो दिल खोल के इसकी जानकारी को आप शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।